नमस्कार दोस्तों, तो हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कोई भी कैरेक्टर को एनिमेशन कैसे करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टाइप का जो वॉक एनिमेशन किया जाता है इसको हम कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला। तो चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कोर्स दिखा रहा हूँ जो कि मैंने यूडमी पे कुछ दिन पहले अपलोड किया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडब एनिमेट सीसी का 24 वर्जन है। इस पर कम्प्लीट कोर्स है जिसमें कि आप यहाँ पे नीचे जाते हैं, इसमें चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टर का क्रिएशन कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं, और मैंने थोड़ा जो है कार्टून कैसे बनाते हैं स्टोरी टाइप से, वो भी मैं इसमें करके दिखाया हूँ। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे एडब इलस्ट्रेटर का। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है कोर्स लगाया हूँ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी मैंने बहुत ही डिटेल से बनाया हूँ इसमें जो है इलस्ट्रेटर के बारे में, जिसमें कि देखिए 60 लेक्चर है और 12 घंटे 17 मिनट का ये जो है कोर्स है, जिसमें कि आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है एक एक ट्यूटोरियल यहाँ पर बनाया हूँ। जैसे इंटरफेस के बारे में, टूल बार के बारे में आप देखते हैं तो एक एक टूल का एक एक वीडियो यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद मेनू बार के बारे में डिटेल से क्रिएट किया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं उस पर भी डिटेल है, और यहाँ पे ड्राइंग कैसे बनाते हैं, कोई भी कार्टून क्रिएटर ब्रोशर कैसे बनाते हैं, ये सब के बारे में मैंने इसमें डिटेल से बताया हूँ। अगर आपको अच्छा लगता तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा कोर्स है विजुअल इफेक्ट का, जो कि एनिमेट सीसी में बना हुआ है। इसमें जो कुछ विजुअल इफेक्ट जैसे होते हैं नदी का एनिमेशन, वाटरफॉल, कोई कैरेक्टर जैसे गिर जाता है, तो हर टाइप का इसमें जाके आप देख सकते हैं अपने तरीके से, वाटर एनिमेशन, फायर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट अदर्स, इस टाइप से। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं देखता हूँ तो कार्टून एनिमेटर 4 का भी एक मैंने कोर्स बना रखा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने इसको जो है चार सेक्शन में डिवाइड कर रखा हूँ। तो आप इसको जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं यूडीमी की वेबसाइट पे, और आपको अगर अच्छा लगता है तो इस जो है कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इस चारों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका जो है कूपन कोड भी अभी अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है। अगर आप अभी यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको ये 400-500 में मिल जाएगा। मैं कूपन कोड भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारे पास ये देखिए दो कैरेक्टर है। मैंने इस कैरेक्टर को कैसे मैं इलस्ट्रेटर में ड्रॉ किया हूँ वो आप इलस्ट्रेटर के कोर्स परचेज करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं इलस्ट्रेटर से मैं यहाँ पे एनिमेट सीसी में कैसे लेकर आया हूँ इसको मैंने पूरा डिटेल से बता चुका हूँ। अब मैं इसको है पीछे के वीडियो में आपको दिखाया था प्रिपेयर कैसे करते हैं एनिमेशन के लिए, और इसमें मैं दिखाऊंगा एनिमेशन करके। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखिए दो लेयर है, एक जो है फ्रंट और एक बैक। तो फ्रंट लेयर पे हम एनिमेशन करेंगे, इसके अंदर जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर सभी जो है अलग अलग लेयर पर रखा हुआ है, जैसे कि मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाया था। और उसके बाद मैं इसको एनिमेशन करूँगा। तो यहाँ पे जब कोई भी वॉक का एनिमेशन कराते हैं तो उसको क्या करते हैं कि लूप में चलाते हैं। हर स्टेप पे जाके मान लीजिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक आप एनिमेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं एक स्टेप क्रिएट करते हैं और उसको हम लूप में चलाते हैं। तो हम इसको जो है एक स्टेप क्रिएट करेंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं साइड थोड़ा करता हूँ यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और इसको मैं क्या करूँगा तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, जो पैर है तीनों पैर को, और इसको मैं यहाँ से वायर फ्रेम में चला जाता हूँ, और इसको मैं रखूँगा यहाँ पर, और इसको मैं पीछे की ओर करता हूँ कुछ इस टाइप से, और इस तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा करूँगा आगे की ओर इस टाइप से। उसके बाद अगर हम वायर फ्रेम हटाते हैं, अगर ये पैर जो है हमारा आगे है तो ये जो हाथ होगा इस तरफ वाला वो पीछे होता, मतलब लेफ्ट पैर अगर आगे है तो लेफ्ट हाथ पीछे होगा, और राइट पैर अगर पीछे है तो राइट हाथ आगे होगा, तो दोनों जो है डिफरेंट होता है। तो मैं क्या करूँगा ये हमारा पैर जो है आगे है, इस हाथ को हमको पीछे करना है। इसको वायर फ्रेम में जाते हैं,
और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं पीछे की ओर कर देता हूँ इस टैब से, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इस टैब से, और इस हाथ को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की ओर आगे की ओर करूँगा, वो हाथ पीछे है तो ये आगे की ओर करूँगा। अब मैं वायर फ्रेम से हटाता हूँ और इसको मैं वायर फ्रेम करूँगा अभी थोड़ा सा, इसको पॉइंटर को यहाँ रखते हैं और इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस टाइप से कर देता हूँ। अभी हमारा वायर फ्रेम हटाते हैं, आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर जो है कुछ इस टाइप से बना है एक स्टेप। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्टेप बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, 30 फ्रेम तक एनिमेशन करूँगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ यहाँ तक, 30 फ्रेम तक मैं इसको एनिमेशन करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं F6 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक फ्रेम क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो है F6 इसलिए क्रिएट किए हैं कि जो फर्स्ट फ्रेम है और लास्ट फ्रेम दोनों हमारा सेम होना चाहिए। जब लूप में चलाते हैं तो लास्ट और फर्स्ट फ्रेम सेम होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे 15 फ्रेम पे एक F6 लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर ये पैर आगे है तो इसको हम पीछे करेंगे और इस पैर को आगे करेंगे, ये हाथ को पीछे करेंगे और जो पीछे वाला हाथ है उसको हम आगे की ओर करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वायर फ्रेम में जाते हैं, क्योंकि वायर फ्रेम में क्या होता है कि अभी आपको सिलेक्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस हाथ को सेलेक्ट करता हूँ, तीनों को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं, और इसको मैं पॉइंटर यहाँ रखता हूँ और इसको मैं इस टैप से पीछे कर देता हूँ, और उसी टाइप से इस हाथ को हम सेलेक्ट करते हैं और इसका मैं यहाँ पे रखूँगा पॉइंटर, इसको मैं आगे कर देता हूँ इस टाइप से, और इसी टाइप से इस पैड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं और इसको मैं करता हूँ आगे की ओर, और इस तीनों पैड को सेलेक्ट करते हैं और इसका पॉइंटर यहाँ पे रखते हैं और इसको मैं करूँगा पीछे की ओर इस टाइप से। अब हम इसको वायर फ्रेम हटाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सभी जो है सेम लेयर पे अच्छे से आ रहा कि नहीं। अभी देखते हैं, तो अभी सही है हमारा, इस टाइप से एनिमेशन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, सभी को सेलेक्ट करते हैं उस टाइप से, ड्रैग करके इस टाइप से, और राइट बटन क्लिक कर दें और इसको कर लेंगे हम क्लासिक ट्विन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्लासिक ट्विन, ओके प्रेस करते हैं। अभी मैं इसको अगर चलाता हूँ, देखिए कुछ इस टाइप से इसमें एनिमेशन हुआ है, लेकिन ये हमें क्या लगता है कि जैसे लग नहीं रहा है कि ये चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पे बीच में फ्रेम क्रिएट करूँगा। अगर मान लीजिए 15 फ्रेम है तो 7.5 फ्रेम होता है, तो यहाँ पे 8 फ्रेम या 7 फ्रेम कोई भी रख सकते हैं। मैं इसको 8 फ्रेम पे F6 लगाता हूँ और एक मैं यहाँ पे 8 फ्रेम पे F6 लगाऊंगा इस टाइप से। अब इसमें हम थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन करेंगे, तो किस टाइप से करते हैं, देखिए यहाँ पे जब ये जो पैड पीछे है ये उठ के आगे आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, कुछ इस टाइप से रोटेट करता हूँ और इस वाले पैड दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं रोटेट करूँगा कुछ इस टाइप से, और इसको मैं वायर फ्रेम करता हूँ और इसको सही से मैं सही जगह पे प्लेस कर दूँगा कुछ इस टाइप से, और इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, और जितना अच्छा से आप जो है इसको रखेंगे उतना अच्छा आपका एनिमेशन तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वायर फ्रेम हटाता हूँ यहाँ से। अभी देखिए ये जो है ये बीच वाला फ्रेम है, देखिए ऐसे रखा, देखिए इस टाइप से ये पैर उठा के और आगे की ओर रखता है, इस टाइप से हो गया। अब इसी टाइप से जब यहाँ पे आता है, अब पीछे वाला पैर को हम देखेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये जो है पीछे उठ के आना चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको कुछ इस टाइप से आगे बढ़ाऊँगा और इस दोनों पैड को सेलेक्ट करके इसको मैं रोटेट करूँगा
और वायर फ्रेम करते हैं, और इसको मैं सही से यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस टाइप से। अब मैं वायर फ्रेम अगर हटाता हूँ, देखिए ये जो है आगे बढ़ रहा था, हमको इसको इतना नहीं करके थोड़ा सा कम करेंगे, इतना पे करते हैं। अब वायर फ्रेम करते हैं और इस दोनों पैर को मैं इसमें मिला दूंगा। यहाँ पर हम इसको अब ऑन करते हैं, अभी देखते हैं। ये पैर यहाँ पे पीछे था, ये पैर उठा यहाँ से, और ये पैर फिर आगे जाने के बाद ये यहाँ से उठेगा, इस टाइप से रोटेट हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रख दिया, अभी जो एनिमेशन हुआ मैं अभी चलाता हूँ, देखिए कुछ इस टाइप से एनिमेशन हुआ। अब क्या हुआ, ये लगता है बिल्कुल स्टैटिक हो रखा। तो इसमें हम थोड़ा सा, जो आदमी जब चलता है तो थोड़ा सा उसका हेड और बॉडी भी जो है मूवमेंट होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जब यहाँ पे जब ये आता है दोनों अगर इस टाइप से है, तो यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए दोनों पैर जब आगे पीछे करता तो यहाँ पे कम, और फिर यहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा होना चाहिए। तो इस टाइप से मैनेज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखते हैं और इसको मैं रखूँगा छोटा। हम जो है थोड़ा सा नीचे करेंगे, हम जो है 5 टैब नीचे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जब आता है तो फिर से मैं इसको 5 बार नीचे करूँगा, 1 2 3 4 5, और इसी टाइप से मैं यहाँ भी 5 बार नीचे करूँगा, 1 2 3 4 5। इस टाइप से हमने देखिए, अभी अब मैं चला कर दिखाता हूँ आपको, कुछ इस टाइप से इसमें जो है एनिमेशन हो गया। तो मैं इसमें थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 यहाँ पे जाते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जाते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारा जो एनिमेशन है परफेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रख दिए, और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अभी देखिए हमारा जो है इस टाइप से एनिमेशन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से नीचे करता हूँ और इसके बाहर जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ मेन फ्रेम पे हमारे पास जो है फ्रेम क्रिएट नहीं है, तो मतलब है कि ये एनिमेशन नहीं होगा अभी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें भी यहाँ पे 30 फ्रेम तक एनिमेशन क्रिएट करना है, मतलब 30 फ्रेम तक जो है फ्रेम क्रिएट करना है। तो F5 प्रेस करते हैं, फ्रेम क्रिएट हो गया है। अगर मैं अभी कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए कुछ इस टाइप से जो है इसमें एनिमेशन आ गया है। तो इस टाइप से दोस्तों कोई भी जब कैरेक्टर आपके पास होता है तो उसको जो है वॉक का एनिमेशन करा सकते हैं। तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके जो बैक का एनिमेशन जो है कैसे कराते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।